So guys, everything is packed and ready to move. तो यहाँ से सीधा सीधा बैग लेके जाना पड़ेगा. चेकआउट तो हमने कर दिया. अब हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया दार्जिलिंग. 68 किलोमीटर दिखा रहा है. तो लेट्स मूव. आफ्टर रेन आप देख सकते हो मौसम कितना सुहाना हो गया है. बेसिक राइडिंग का मजा चौगुना हो चुका है. बट एक डर अगेन कि अगर बारिश हो जाती है तो भाई जो सिचुएशन बनता है पूछो मत. बट एवं भी अभी सुबह से बारिश हो रही थी और अभी बारिश कम हुआ है. बट जो हमने मौसम देखा है अभी भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है. एंड जो दर्शन मैंने बात करी थी शायद उससे टाइफाइड हो गया तो वो मिल नहीं पाएगा. तो ऑल द वे वी हैव टू अरेंज एवरीथिंग बाई आवर ऑन. सो चलते हैं देख के कहीं भी बात करके एक अच्छा सा डाउन द हिल या ऑन द हिल जो भी हो बात करके एक सेफ जगह पे कैंप करेंगे. भूख लगी नहीं है बट हाँ खाने का टाइम भी होने वाला है. थोड़ा सा लेट हुए एक दो घंटे के आसपास बट वी विल फाइंड राइट प्लेस एंड वी विल कैंप एंड उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है. और अगर बारिश नहीं होता तो बात ही क्या थी. बट यस बारिश की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ. कोई बात नहीं चलते हैं. फिलहाल तो आप हमारे साथ मजे लो. जिस सिचुएशन में हम हैं आप भी उस सिचुएशन को फील करो अनुभव करो और देखो कि कैसा दिन कटता है हमारा. गरी धूरा. सो गरी धूरा इज ए आर्मी ट्रेनिंग प्लेस वेस्ट बंगाल का एंड त्रिशक्ति ईगल्स के नाम से बोर्ड लगा हुआ है. काफ़ी अच्छा लगता है मीन्स हिली एरियाज में घुसने के बाद जो माहौल होता है ना भाई क्या कहने. और आज का रोमांच बहुत हाई है पूछो मत. और हाई इसलिए है कि दिस विल बी माई फर्स्ट कैंपिंग एंड सी दिस इज त्रिशक्ति टेक्नो वॉरियर्स. यस मज़ा आ रहा है. थोड़ा सा अंदर से डर भी है और एक्साइटमेंट. कहते हैं ना कि एडवेंचर इसी को कहते हैं कि भाई क्या होगा पता नहीं. बट यस वी आर स्टिल गोइंग. चलते रहो क्या होगा किसने देखा. जो भी होगा बढ़िया होगा. एंड इसी के साथ यार वीडियो को लाइक तो बनता है एंड अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. एंड इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो. ID है डी ट्रेजर इंडिया. सो गाइस हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं आप देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल धुंध सा होता जा रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियों का मौसम हो. वेलकम टू दार्जिलिंग रोहिणी टोल प्लाजा. सो दिस इज रोहिणी टोल प्लाजा एंड यस वी आर बैक टू मसूरी जैसा सीन. भाई यादें ताज़ा हो गई हमारी. बट यार बारिश है ना बहुत संभल के चलाना पड़ेगा. वी नीड टू बी वेरी केयरफुल हियर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा झरना है. काफ़ी खूबसूरत सा झरना है. एंड अगर नीचे जाने का मौका मिलता तो बात ही कुछ और था. बट यार अभी नीचे जा नहीं सकते. ऊपर जाना है. मे बी ऊपर और प्यारा लुक मिलेगा. एंड ये कोई नीचे की तरफ पुल गया है. सो लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटी ऑफ नेचर. एंड जगह जगह पे पोलिश. बस एक कोविड लेकर के जो है ना भाई थोड़ा सा कोविड लेकर के सीन खराब है. नहीं तो यार पता है आपको यार मेरे को हिल्स इसलिए इतना ज़्यादा पसंद है कि जब जाता हूँ भाई तो सारे स्ट्रेस एंड एवरीथिंग ख़त्म हो जाता है हमारा. तो ऐसा ही कोई जगह मिल जाएगा जहाँ पे हम कैंप करेंगे किसी से पूछ के. वी कैन डू इट इजली नो प्रॉब्लम. ऐसे होटल्स मिलते हैं जैसे कि हमने देखा है मसूरी देहरादून मनाली कहीं भी. एंड भाई कान से हमारे सुनने की जो शक्ति है धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे
हमारी लिसनिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। सो हियर इज वन मोर वाटरफॉल, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, नीचे हाइट है। बाइक वहाँ पे मैंने खड़ी कर दी है, बट अभी अब निकलेंगे आगे 40 किलोमीटर अभी और जाना है हमें। बट यार ब्यूटी ऑफ नेचर इतना बढ़िया होता है ना कि पूछो मत, जहाँ पे देखो वहीं रुक जाने को जी चाहता है, बट हमें आगे चलना है। एंड गाइस एक चीज़ बताओ, अभी बादल यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं था और ये देखो सडनली बादल, और वहाँ पे ऊपर से जा रहा है बादल। यार कसम से मैन मज़ा आ गया व्यूज़ देख करके। देख लो बादल कैसे ऊपर चढ़ रहा है, बिल्कुल अंधेरा एंड गर्मी भी आ गई यार, लग रहा है बारिश होगा। देख लो कैसे बिल्कुल धुंधला सा होता जा रहा है। एंड एक चीज़ और आपको दिखा दूँ, ये है कुर्सियांग एंड ये जो आप साइड में देख रहे हो छोटा छोटा रेलवे ट्रैक, ये खासियत है दार्जिलिंग की। एंड दोनों तरफ मार्केट है यहाँ पे एंड ट्रेन अभी तक फ़िलहाल कहीं मिला नहीं मुझे, जो सिटी भ्रमण के लिए पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बट यार नज़ारा काफ़ी अच्छा है। छोटा सा मार्केट है यहाँ पे, स्पेस नहीं है बीच में, बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। यार क्या लुक है भाई, चाहे कुछ भी कह लो यार, जीने का मज़ा तो यहीं पे है, यहीं कह लो या कोई भी हिल स्टेशन कह लो, जहाँ पे पहाड़ है, झरने हैं, वहाँ पे जीने का यार मज़ा ही कुछ और है। सो अगेन वी हैव क्रॉस्ड इट एंड आगे चलते हैं, क्या क्या कुछ मिलता है हमें, जो जो जैसे जैसे मिलेगा आपको भी दिखाएंगे। आप भी मेरे साथ ही घूम रहे हो तो लेट्स वेट फॉर ब्यूटी। और यार ये ट्रैक जो है ऑलमोस्ट, हमने एक चीज़ गौर किया है कि ये पूरा सिटी जहाँ से हमने वाइट ऑर्चिड लैंड में प्रवेश किया है वहाँ से कंप्लीट ट्रैक है एंड पता नहीं आगे कहाँ तक जाएगा ये, बट आई थिंक कि ये पूरा जो दार्जिलिंग, पूरा दार्जिलिंग कवर किया हुआ है जैसा कि मुझे लग रहा है। एंड अभी तो यार ऑलमोस्ट 29 किलोमीटर जाना है दार्जिलिंग, बट यार नज़ारे इतने अच्छे हैं ना कि रुक रुक के फ़ोटो सेशन करता हुआ जा रहा हूँ, तो पता ही है आपको यार टाइम तो लगता है इसमें। दिन के 12:30 बज चुके हैं एंड वहाँ से निकला था, लेट हुआ था निकलने में, 10:30 के आसपास तो निकलते निकलते हो गया था। ब्लैक स्कॉर्पियो माई फेवरेट। एंड अगेन आई वॉज टेलिंग गाइस, ये देखो नज़ारा यहाँ से टॉप ऑफ हिल्स है, देख रहे हो यार ऐसे लग रहा है जैसे हम आसमान में खड़े हैं। यार भाई मन नहीं भरता यहाँ पे लुक देख के, एंड बादल, पहाड़, नीचे चाय की बागान, भाई क्या अल्टीमेट नज़ारा है। सो यार बस कैंप करने के लिए कोई अच्छी सी जगह मिल जाए, मेरे ख्याल से कोई शॉपकीपर या कुछ भी, कोई भी हमें कोई प्लेस दे दे छोटा सा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ पे क्या करेंगे। एंड ये बम्बू भाई बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल सीधा। एंड हम इसको काट करके स्टिक वगैरह बना सकते हैं। टाइगर हिल रिजॉर्ट्स आगे ही हैं, आगे। Roads are closed. So this is the end and roads are closed here. हम कोशिश करते हैं यहीं पे बात करके कैंप करने की, भाई बहुत ही प्यारा जगह है। Okay. तो अभी हमें यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा मिस्टर लोकेश से, फॉरेस्ट और टूरिज्म के स्टाफ हैं, और परमिशन लेकर के फिर हम लगा सकते हैं। फिलहाल तो नीचे जाके देखते हैं, हालांकि ये सन
राइज पॉइंट है, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन है तो उधर जाना अलाउड भी नहीं है। तो चलते हैं नीचे, फिर देखते हैं कहाँ परमिशन मिलता है हमें। सो फाइनली हमें कैंपिंग के लिए जगह मिल गया है। आप यहाँ पे देख रहे हो, फिलहाल तो बारिश हो रही थी तो बाइक यहाँ पे खड़ी कर दिया है। एंड लोके भैया हैं यहाँ पे जिन्होंने हेल्प करा हमें इस चीज़ के लिए। एंड बाकी यहाँ पे एक स्पेस है जहाँ पे हम कैंप करेंगे अभी। गाड़ी वाड़ी सब यहाँ पे नहीं है, चली गई है। तो ये जो प्लेस है यहाँ पे आराम से हम कैंप करेंगे। हालांकि आप देख रहे हो पूरा कीचड़ कीचड़ है यहाँ पे, अभी बारिश हुई है। वहाँ से बाइक लेके आते हैं, टेंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम इसको करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। मेरा छोटा सा घर बन के तैयार है। हमने बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है, बाइक को भी ढक दिया है पॉलीथीन से। नीचे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक ये तरपाल लगाया, उसके ऊपर ये वाटरप्रूफ कैंप, कैंप के ऊपर ये वाटरप्रूफ सेट, और इसके ऊपर एक और तरपाल लगा दिया कि अगर बारिश आती है बाई चांस तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम खाना बनाएंगे। यार सुबह से काफी भूख लग रही है तो खाना बनाएंगे। फिलहाल चलते हैं टेंट के अंदर में। देख भाई, यहाँ तो अपनी फ्रेंडशिप हो गई है इससे। और फिलहाल इनसाइड द कैंप, कैंप ऑलरेडी रेडी हो चुका है, बट सी आवर न्यू फ्रेंड। हेलो, से हाय टू द फ्रेंड्स। सी फ्रेंड्स, टेल देम टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज दी ट्रेजर इंडिया। यस, आप नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा। एंड भाई कसम से ये ट्रिप एडवेंचरस था, है और रहेगा, क्योंकि यार इतनी एक्साइटमेंट और इतना डर था अंदर से। सो रात बहुत हो चुका है। अब देखोगे चारों तरफ, अभी टाइम 6:30 हुआ है, बट चारों तरफ जो आप देखोगे अंधेरा अंधेरा है। ये हमारा कैंप एंड ये बाइक खड़ी है। सामने एक घर वहां पे जो आपको दिख रहा है, एंड ये बिल्कुल धुंध हो चुका है। ये हमारा कैंप, इसके अंदर हमने सारा सामान निकाला हुआ है। अभी फिलहाल अंडा अंदर ही उबालेंगे, इससे क्या होगा कि अंदर से थोड़ा सा टेंट भी गर्म हो जाएगा और बाकी खाना बाहर बनाएंगे।